स्टील इस घर ले जाके चाय बनाऊंगा। अरे भाई साहब क्या हो गया? मेरा सूरज तो डूब गया। अब सूरज बोरा को अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जाना होगा। अरे भाई साहब पर हुआ क्या? अरे भाई मेरे इस टी गार्डन में टाइगर आया है। टाइगर के डर से कोई भी काम पे नहीं आ रहा है। अब मेरे टी गार्डन का क्या होगा? फसल तैयार है, टी लीव्स तोड़नी है, लेकिन कोई तोड़ने वाला नहीं है। सब भाग गए, मैं बर्बाद हो गया। ये बर्बाद हो गया। हे ऊपर वाले, इसे बचा ले। हे ऊपर वाले। अरे मोटो चुप रहो, चुप रहो। अरे भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, हम लोग शेर को पकड़कर सही जगह पर छोड़ देंगे। आप कुछ कर सकते हैं क्या? अभी लो ये। ओ मेरे भाई, मेरे यार पतलू, ये गन है। इस गन से फायर करने से एक नेट निकलेगा और उस शेर को लपेट लेगा। पर बड़े भैया, इसमें तो दो बटन है, एक ग्रीन है और एक रेड है। बड़े भैया, ये रेड बटन से क्या होता है? मोटू, जब तक मैं ना बोलूं तुम गन फायर नहीं करोगे, समझे? मैं तुम लोगों के कमांड के बिना ये गन कभी फायर नहीं करूंगा। ठीक है, चलो। अरे संभाल के जाना, अपना ख्याल रखना। जब तक हम नहीं बोलेगा तू फायर नहीं करेगा। हाँ, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये क्या हलचल हो रही है? सॉरी हर्षेर जी, मैं चला जाता हूँ। बाय बाय बाय। अरे मैं तो पछता लो, पछता लो। तुमने फायर क्यों नहीं किया? अरे तुमने बोला था क्या? तुमने तो कहा था कि जब तक हम लोग बोले नहीं फायर नहीं करोगे। किसी ने नहीं कहा फायर करो। अरे तुमने तो आज मेरी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर दिया था। अब फिर मैं दिखाता हूँ। बोरिया बिस्तर गोल तो सूरज बोरा का होता है रे। अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। ऊपर वाले हमको बचा ले। जब शेर पकड़ने वाले ही आपस में लड़ रहे हैं तो शेर कौन पकड़ेगा? अरे भाभी जी, रोइए मत, रोइए मत। हम शेर को पकड़ के ही दम लेंगे। बस बस, दहाड़ना बंद करो और अपना मास्क उतारो। मैंने दूर से छुप के देखा तुम्हें आज उन पांच आदमियों को कैसे डराया। कुछ दिनों में यहाँ कोई नहीं आएगा और फिर सूरज बोरा को ये टी गार्डन मुझे बेचना पड़ेगा। लेकिन घुन बॉस, वो लोग टूरिस्ट नहीं लग रहे थे, वो लोग शेर को पकड़ने आए थे। उनके हाथ में गन थी लेकिन वो डर के मारे चला नहीं पाए। उन्हें डर के भागना ही होगा। पहाड़ी का इरादा पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत है। तुम फिर जाओ, उन्हें डरा के भगाओ। मैं भी दूर से नजर रखूंगा। तुम बकरी बन के बैठे रहना और मैं गन चला के उसे नेट में कैद कर लूंगा। अरे पतलू, मैं बकरी बनूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। बकरी दुबली पतली होती है। पतलू, एक काम करो, बकरी तुम बनो। ठीक है, पर जैसे ही मैं बोलूंगा तो फायर कर देना फौरन।
ये कौन है? ये मुझे फ्रेंड मिली। मेरी फ्रेंड को खाएगा, अभी मजा चखाता हूँ। मेरी है, तुम डरता नहीं यार। देखा, अब इसको भगाता हूँ यहाँ से। अरे भाई मैं नकली हूँ। अरे ये तो नकली शेर है। भागो यहाँ से। अरे ये क्या असली शेर? अरे नहीं, यहाँ तो असली शेर भी है। वो देखो, इस पहाड़ी के पहाड़ जैसे सपने अब चटना चूर होने वाले हैं। तो अपनी ड्रेस ठीक करके वापस आ गया। अभी इसकी नकली ड्रेस उतारता हूँ। अरे भाग के जाएगा किधर? ये तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। पर ठीक खड़े आया है ना, सबको डरा रहे हो। पतलू, इसमें तो बहुत ताकत है। को पकड़ा नहीं और असली वाले को पकड़ के रखे हो। असली वाला शेर। शेर जी, असल में हुआ ये कि वो नकली वाले शेर ने सबको डरा के रखा था। हम उसे पकड़ने आए थे, हमें नहीं पता था कि असली वाला शेर यहाँ घूम रहा है। मैं जंगल में रहता हूँ। खबर मिली थी कि कोई शेर बनकर मेरा नाम खराब कर रहा है। देखने आया हूँ कि कौन मुझे बदनाम कर रहा है। वो देखो, झाड़ी के पीछे नकली शेर। थार 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 थार। शेर जी, हमें प्लीज माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, तुमने मेरा नाम खराब किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन यहाँ नहीं। मैं तुम्हें जंगल ले जाऊंगा और वहाँ सजा दूंगा। अरे बुरे काम का बुरा नतीजा। थैंक यू वेरी मच, आपने असली नकली सबको भगा दिया। अब क्या होगा रे? हे ऊपर वाले, मुझे बचा ले। अरे अब क्या हो गया? अरे आप जैसे अच्छे लोग मिले थे, अब आप लोग भी चले जाओगे। I will miss you all. अरे भाई साहब, आपको तो बस रोने का बहाना चाहिए। चुप करो और हमारे साथ एंजॉय करो। चलो चलो पार्टी करते हैं। अरे भाई साहब, पार्टी दोगे तो भी क्या रोते हुए दोगे? भाभी जी, इन्हें कुछ समझाओ ना। अरे मैं क्या समझाऊं? रोना तो हमारी खानदानी बीमारी है।